अगर आप भी आंध्र एसएल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टूर्नामेंट से बाहर होने कगार पर खड़ी दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब इंडियन प्रीमियर लीग के करो या मुकाबले में शुक्रवार को एक दूसरे के सामने होंगी। दोनों टीमें अंक तालिका में सबसे नीचे हैं और प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए उन्हें हर हालत में जीत दर्ज करनी होगी। दोनों के 12 मैचों में 10 अंक हैं, लेकिन कोलकाता 8 टीमों में छठे स्थान पर है और नेट रन रेट के आधार पर पंजाब 7वें स्थान पर है। पहले हाफ में दोनों टीमों का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन दूसरे हाफ में दोनों ने लैग खो दी। पहले 5 में से 4 मैच जीतने और एक हारने वाली केकेआर को लगातार 6 पराजय झेलने पड़ी। पिछले मैच में उसने मुंबई इंडियंस को हराया, लेकिन प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए उसे आखिरी 2 मैच भी जीतने होंगे। मुंबई के खिलाफ केकेआर के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों शुभमन गिल, क्रिस लीन और आंद्रे सेल ने एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करके 2 विकेट पर 232 रन बनाए। केकेआर ने वह मैच 34 रन से जीता। इस सत्र में रसेल शानदार फॉर्म में रहे हैं और 12 मैचों में 207.69 की स्ट्राइक रेट से रन बना चुके हैं। केकेआर को उनसे एक बार फिर से इस तरह की पारी की अपेक्षा होगी। बल्लेबाजी जहां केकेआर की ताकत है, वहीं गेंदबाजों ने निराश किया है। सुनील नारायण और पीयूष चावला मुंबई के खिलाफ महंगे साबित हुए। रसेल ने गेंदबाजी में भी 25 रन देकर 2 विकेट लिए। दूसरी ओर पंजाब ने लगातार 3 मैच गवाए और उनकी स्थिति और भी खराब है। लोकेश राहुल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजी की सूची में डेविड वार्नर के बाद वह दूसरे स्थान पर हैं। आप इस मैच के लिए कितना एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर बताओ। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉप 10 न्यूज चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।